नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सबका बहुत बहुत स्वागत है हमारे YouTube चैनल इजी मैथ बाय जीवन शर्मा में। आज हम आपके लिए जो वीडियो लेकर आए हैं वो बहुत ही खास है, इसलिए वीडियो को पूरा देखें। तो मिलते हैं वीडियो के अंत में, पहले बढ़ते हैं आज के टॉपिक की तरफ। तो आज का अपना पहला प्रश्न लेते हैं कि यदि एक वृत्त का परिमाप वर्ग के परिमाप के बराबर है तो उनके क्षेत्रफलों का अनुपात ज्ञात कीजिए। जो प्रश्न में पहले दिया गया है उसे लेंगे, फिर जो ज्ञात करना उसे बाद में बात करेंगे। पहले क्या दे रखा है कि यदि एक वृत्त का परिमाप, ध्यान रखें, वृत्त का परिमाप कह दो चाहे परिधि कह दो, एक ही चीज है, ध्यान रखें, और वो वर्ग का जो परिमाप है उसके बराबर है। ध्यान रखें, ये वर्ग का हमने ले लिया परिमाप और ये दोनों ही बराबर है ऐसा प्रश्न में कहा गया है। उसके अलावा इस प्रश्न में कुछ भी नहीं दिया गया है, तो अब सोचिए उनके क्षेत्रफलों का हमें अनुपात करना है। तो मैंने बताया कि कुछ भी ज्ञात करना हो पहले उनकी मुख्य चीज़ों का होना जरूरी है। अगर वो है तो हम कुछ भी कर सकते हैं, अगर वो नहीं है तो हम कुछ नहीं कर सकते। इसलिए पहले क्या करेंगे, जो दिया गया है इससे कमी पूरी करने की कोशिश करेंगे। जो ये मेन चीज़ों की, मुख्य चीज़ों की जो कमी है, जैसे कैसे, जैसे वृत्त है तो मुख्य चीज़ होती है त्रिज्या, वर्ग है तो मुख्य चीज़ होती है भुजा, जो हमने आपको पहले बता दिया है और उसके लिए वीडियो है वो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, आप देख सकते हैं वहाँ जाकर। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं। तो वृत्त का जो परिमाप होता है वो होता है 2πr और वर्ग का जो परिमाप होता है वो होता है 4 × भुजा। जिस तरह से हम सरल कर सकते हैं उतना सरल करेंगे। तो ये दो, ये इंटू 22/7, ये इंटू आर बराबर 4 × भुजा। ना तो हमारे पास त्रिज्या का मान है ना हमारे पास भुजा का मान है। अब चलिए आगे बढ़ते हैं भैया, 4 × भुजा ये हो गया भाई। अब वापस लेते हैं, 2 × 22/7 क्या कर देंगे, पक्षांतरण, ये नीचे को 7 है वो ऊपर चला गया, ये ऊपर के जो संख्याएं हैं वो नीचे चली गई। चलिए अब जितना काट सकते हैं सरल कर सकते हैं सरल करेंगे। ये दो के पहाड़े से 2 × 2, ये 2 × 2 = 4, ये 2, ये 22, 2 × 2, 2 × 11 = 22, ये देखो 11 बार चला गया। अब ऊपर 7 को गुणा करेंगे, ये हो गई 7 भुजा के 2 चाहे 7 × भुजा के 2 बट्टा में हो गई 11। ये अपना आर का मान जैसा आया वैसा रखेंगे। मान लीजिए ये आर का मान आ चुका है, इन्हें बड़ी मेन चीज़ है वो ज्ञात हो चुकी है, जिस प्रकार से ज्ञात हुई पूरा मान हुआ नहीं है ही नहीं, तो क्या करेंगे, अब जो करना है वो करेंगे। अब है उनके क्षेत्रफलों का अनुपात, अब ध्यान से देखें, अब उनके क्षेत्रफल करके हमें अनुपात बनाना है। किन का क्षेत्रफल, तो पहले वृत्त था तो पहले करेंगे वृत्त का क्षेत्रफल, फिर किसका था वर्ग का, तो करेंगे वर्ग का क्षेत्रफल। पर हमें करना क्या है, इन दोनों के क्षेत्रफल का अनुपात ज्ञात करना है। अब अनुपात करेंगे तो क्या करेंगे, कैसे करेंगे, फिर इनका सूत्र जो है पाई आर स्क्वायर, यहाँ इसका सूत्र यानी क्या होता है भुजा स्क्वायर, ये भुजा स्क्वायर। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, जो मान अपने पास होगा वो रखेंगे, नहीं है तो नहीं रखेंगे। अब आगे देखिए, आगे बढ़ते हैं, पाई का मान 22/7, ये देखो यहाँ पर 22/7, यहाँ क्या है इंटू, ये इंटू, ये क्या है आर, और ऊपर देखिए आर का हमने जो मान किया है वो आर की जगह पर रखेंगे। ये आर हमने पहले ज्ञात कर दिया था, जैसा ज्ञात हुआ वैसा किया, अब आर की जगह पर रखेंगे, तो ये हो गए 7 भुजा इंटू में ही है ये बट्टा 11। सोचिए इसके ऊपर क्या लगा है स्क्वायर, मतलब कितनी बार आएगा, 2 बार, तो ये लगा दिया इसके ऊपर स्क्वायर, फिर ये अनुपात, ये अनुपात गया भुजा स्क्वायर। भुजा का हमारे पास कोई मान नहीं है तो ये भुजा का हम स्क्वायर ही रखेंगे। अब आगे बढ़ते देखिए, अब सरल करते हैं, ये 22/7, ये इंटू, ये स्क्वायर है मतलब ये 2 बार आएगा, 7 भुजा बट्टा में 11, फिर इंटू 7 भुजा बट्टा में 11, और अनुपात में है भुजा स्क्वायर। जितना सरल कर सकते हैं सरल करेंगे, जो कट सकता है उन्हें काटेंगे। देखिए बट्टा में ये 7, ये ऊपर भी 7 कट गए, ये 11 और 22 कट रहा है, 11 × 11 = 22, और कोई कट नहीं रहा है तो नहीं काटेंगे, जिनका गुणा हो रहा है उनका गुणा करेंगे। ऊपर देखो 7, या ऊपर देखे 2, 7 × 2 हो गए 14, भुजा को भुजा से गुणा किया बन गया भुजा का स्क्वायर, बट्टा में हो गए 11 × 11, और कोई है नहीं, अनुपात में क्या है भुजा का स्क्वायर। अब एक ध्यान से देखें, अब अनुपात बढ़ाने के लिए क्या करेंगे, यदि कभी ऐसा हो इसमें कुछ सरल हो रहा था हमने सरल किया, उसमें अगर सरल होता तो सरल कर देते, नहीं हो रहा तो क्या करना है, यहाँ बट्टा लगा हुआ है तो जिस प्रकार से बराबर में हम पक्षांतरण करते थे उसी प्रकार से अनुपात में भी यही होगा, तो बट्टा का 11 वहाँ चला जाएगा। अनुपात के लिए बट्टा यहाँ नहीं होना चाहिए क्योंकि ये बट्टा खुद है, ये अनुपात जो खुद है वो खुद बट्टा है, तो यहाँ से 11 हटेगा, यहाँ गुणा चला जाएगा, तो 14
यहाँ रह जाएगा भुजा का स्क्वायर अनुपात, ये 11 यहाँ जाकर गुणा होगा तो ये हो जाएगा 11 भुजा स्क्वायर। अब एक ध्यान से देखें, अनुपात में ये है कि यहाँ की चीज़ कोई भी अगर यहाँ की अगर समान पहाड़े में आती है या कटती है तो उन्हें भी काट देंगे। जैसे भिन्न में क्या होता है, बट्टा के ऊपर वाले और नीचे वाले कटते हैं ना, तो अनुपात यही होता है, आगे वाली संख्या और पीछे वाली संख्या में अगर कुछ कटता है तो काट देंगे। इसमें भी क्या है, भुजा स्क्वायर, इसमें भी क्या है, भुजा स्क्वायर, जोड़ बाकी नहीं होनी चाहिए, गुणा और भाग में इस प्रकार से काट दिया, आगे रह गए 14 और पीछे बच गए 11, ये हो गया इनके क्षेत्रफलों का अनुपात। अब आगे बढ़ते हैं, इस प्रश्न में एक वृत्ताकार पार्क है, ध्यान से देखें, एक वृत्ताकार पार्क बना हुआ है, इस पार्क की त्रिज्या 3.5, देखिए अगर ये वृत्त के आकार की है तो हमें त्रिज्या की जरूरत होती है, ये त्रिज्या इसकी 3.5 मीटर है। आगे पार्क के चारों ओर 1.4 मीटर चौड़ा फुटपाथ बना हुआ है। अब इस पार्क के जो चारों ओर एक फुटपाथ बना हुआ है उसकी जो चौड़ाई है वो 1.4 मीटर है, ध्यान रखें यहाँ से लेकर यहाँ तक ये जो चौड़ाई है इसकी वो 1.4 मीटर है और चारों तरफ चौड़ाई समान है। तो हमने क्या देखा और क्या करना है आगे, फुटपाथ का क्षेत्रफल ज्ञात करना है, ये जो फुटपाथ है इसका हमें क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो देखिए ये जो प्रश्न है इसे हम ये कह सकते हैं कि दो सकेंद्रीय वृत्तों के बीच परिबद्ध क्षेत्र का क्षेत्रफल। इसके लिए हमने पहले भी प्रश्न हम वीडियो आपके सामने ला चुके हैं, इसके लिए सूत्र का निर्माण कर चुके हैं और अगर वीडियो आप वो देखना चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन में उसकी लिंक है, आप देख सकते हैं और समझ सकते हैं इसको। हम आगे बढ़ते हैं, इस प्रश्न को करना कैसे, सबसे पहले यहाँ पे पार्क की त्रिज्या मुख्य चीज़ है जो प्रश्न में होनी चाहिए और वो है 3.5 मीटर। आगे पार्क के चारों ओर क्या बना है, फुटपाथ, और उस फुटपाथ की चौड़ाई जो है वो कितनी है, 1.4 मीटर। अब सोचिए ये अंदर वाला जो वृत्त है उसकी त्रिज्या ये होगी 3.5 मीटर, तो ये बाहर जो वृत्त बड़ा उसके लिए हमें इसकी चौड़ाई जरूरत नहीं है, हमें जरूरत है किसकी, त्रिज्या की। तो यहाँ पे भी त्रिज्या होनी चाहिए, केंद्र से लेकर परिधि तक, मतलब ये त्रिज्या और ये चौड़ाई दोनों जुड़कर इस बड़े वृत्त का जो बड़ा वृत्त बना है उसकी भी त्रिज्या का निर्माण करेगा। तो अब सोचिए करेंगे क्या, अब हम ये लिखेंगे फुटपाथ सहित, ध्यान रखें फुटपाथ को यदि हम साथ में ले लें, फुटपाथ सहित पार्क की त्रिज्या, ध्यान रखें पहले केवल पार्क की त्रिज्या थी, अब फुटपाथ को लेकर पार्क की त्रिज्या करेंगे, पार्क की त्रिज्या, तो इस त्रिज्या को हम क्या ले लें, जैसे मैंने कर दिया ये 3.5 और ये 1.4 दोनों को जोड़ दिया तो ये हो गए 4.9 मीटर, दोनों को जोड़ दिया, ध्यान रखें। तो अब दोनों को जोड़ने के बाद अब करना क्या है, अब देखो मेन चीज में कोई कमी नहीं, अंदर वाला वृत्त है उसकी भी त्रिज्या में पता है, ये बड़ा जो वृत्त बना उसकी भी त्रिज्या पता है, तो अब ज्ञात क्या करना है, ज्ञात करना है फुटपाथ का क्षेत्रफल। देखिए पहले जब हम ये प्रश्न करते थे तो हम यहां लिखते थे दोनों वृत्तों के बीच परिबद्ध क्षेत्र का क्षेत्रफल, तो देखिए प्रश्न की भाषा समझनी हमें, अभी हमें तो ये पता है कि भाई ये क्या है, दो वृत्तों के बीच परिबद्ध क्षेत्र का क्षेत्रफल, लेकिन यहाँ पे आ गया फुटपाथ का क्षेत्रफल, तो दोनों एक ही चीज़ है, सीधा हम सूत्र लिखते हैं, सूत्र का निर्माण मैंने बताया अभी नीचे डिस्क्रिप्शन में वीडियो है, लिंक है, आप वहाँ जाकर सूत्र को समझ सकते हैं आसान भाषा में, जहाँ आपको इतनी आसान भाषा में सूत्र समझाया गया है कि ऐसा या ऐसी भाषा में आपको सूत्र कोई समझा नहीं सकता, कहीं आपको ऐसी वीडियो नहीं मिलेगी, एक बार ज़रूर देखें सूत्रों का निर्माण। चलिए आगे देखिए, तो सूत्र ये था पाई वापिस आर प्लस आर और एक आर माइनस आर, यहां पे आप कहोगे सर ये दोनों दो आर कैसी है, देखिए तो देखो ये जो बड़ी त्रिज्या उसको हमने बड़े आर से दर्शा दिया, ये छोटी त्रिज्या थी इसे छोटे आर से दर्शा दिया, इसलिए ये सूत्र लगाया और इस सूत्र का निर्माण हम पहले करवा चुके हैं आपको, ये 22/7 ये इंटू यहाँ पे आर आर जोड़ना, यानी बड़ी त्रिज्या को और छोटी त्रिज्या को जोड़ना, कोई क्या करता है यहाँ पे, ये बड़ी त्रिज्या यहाँ इसको बड़ी मान लेता है और चौड़ाई को जोड़ देता, नहीं बड़ी त्रिज्या और छोटी त्रिज्या दोनों को जोड़ना है, तो ये कितना है 4.9 प्लस 3.5 वापिस 4.9 माइनस 3.5, एक बार जोड़ करनी है एक बार बाकी करनी है, 22/7 इंटू, अब ये देखो जोड़ की हमने, अब ये देखो जोड़ जो है वो हमें कितनी प्राप्त हो रही है 8.4, ध्यान रखें 9 ये 4.9 और 3.5 को जोड़ दिए 8.4 हो गए, इंटू 4.9 में से 3.5 चले गए ये रह गए 1.4। अब देखिए गुणा में क्या करना है, मैंने बताया था गुणा में आते ही
दशमलव को हटाएंगे बट्टा दस, दशमलव को हटाएंगे ये बट्टा दस, पॉइंट दशमलव के पीछे एक अंक है इसलिए बट्टा में एक जीरो ही लगेगा। अब देखिए जो कट रहा है, सात और चौरासी, सात एकम सात, सात दूनी चौरासी। अब क्या करेंगे, बाईस को चौरासी से फिर जो संख्या आएगी उसे दो से गुणा करेंगे और बट्टा में मैंने बताया यदि दस सौ या हजार आए तो जीरो ही काटेंगे, पहाड़े से काटोगे गलत नहीं होगा लेकिन फिर वो प्रश्न है वो इजी नहीं रहेगा, कठिन हो जाएगा। लेकिन हम चाहते हैं कि प्रश्न अपना सरल रहे और समय भी कम लगे, इसलिए बट्टा में 10, 100 इस प्रकार से आए तो उसे जीरो के अलावा कुछ भी नहीं काटना है। तो फिर हमने इनको तीनों को गुणा किया और गुणा हमें प्राप्त हो गया 3696, ये प्राप्त हो गया इनका गुणा। अब देखिए आगे, बट्टा के नीचे 100 है मतलब 100 का हमें भाग देना है और नंबर है वो छोटा होगा, ध्यान रखें। अब कैसे देना है, जब इस प्रकार से हम 100 का 10 का भाग देंगे तो जीरो कटे तो काट देंगे लेकिन जीरो नहीं, तो जितने जीरो 21 है उतने अंक और लेकर दशमलव लगा देंगे। तो क्या लगा क्या पे, देखो दो जीरो है ये दो अंक लिए यहाँ पे आएगा तो 36.96 मीटर स्क्वायर, ध्यान रखें ये क्षेत्रफल है तो मीटर स्क्वायर या वर्ग मीटर आएगा, तो ये हो गया फुटपाथ का क्षेत्रफल। तो आज की ये वीडियो यहीं पर समाप्त करते हैं, ये वीडियो आपको कैसी लगी ये हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताएं और अगर आपकी कोई शिकायत या समस्या हो तो वो भी हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताएं। तो हमारी वीडियोस को लगातार देखते रहें और देखने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन ज़रूर दबा लें ताकि जब भी हम आपके लिए नई वीडियो लेकर आएँ नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो फिर हमारी वीडियो देखते रहे और तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।